नमस्कार, मैं समी एम सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के साथ में आज हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। उनसे बात करते हैं कितना विकास कार्य सीतापुर जिले में अभी तक हुआ है, क्या जो मौजूदा सरकार है उससे कितना लाभ इन लोगों को मिला है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। अनूप विश्वकर्मा। क्या अभी तक सीतापुर जिले की अगर बात करें तो कितना विकास का सीतापुर जिले में हुआ? इधर 5 साल में बहुत काफ़ी विकास हुआ है। आप और भी देख रहे होंगे, और भी जिस सरकार में बना है, 2 और भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं सीतापुर विधानसभा में, और काफ़ी विकास हुआ है। समस्या जो अगर देखा जाए सीतापुर जिले की, सबसे बड़ी समस्या क्या है? इतनी बड़ी समस्या को सीतापुर विधानसभा के लिए सरकार की अगर बात करें तो लगातार सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चलाती है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों को लेकर। सड़कों की हालत सीतापुर शहर की अगर बात करें कैसी है? ठीक है, इधर तो 5 सालों में काफ़ी इधर बेहतर हुई। आपका क्या नाम है? मनी। कितना काम हुआ सीतापुर जिले में? सीतापुर जिले में गड्ढा मुक्त सड़कें थी, पहले बहुत गड्ढे थे सड़क पे, निकलने में तकलीफ होती थी आम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गड्ढा मुक्त सड़क जो उनका अभियान था, हम माननीय योगी मोदी जी का, उनका पूरा सफल प्रयास यही रहा कि गड्ढा मुक्त सड़क पूरे प्रदेश, यूपी, सीतापुर में भी गड्ढा मुक्त सारी सड़कें हैं, जैसे आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा विकास यानी कि रोड जो ट्रैफिक जाम था उसको क्लियर सबसे जल्दी किया है भारतीय जनता पार्टी। ग्रामीण अंचल से आप आते हैं, अगर गांव की बात करते हैं तो गांव में कितना विकास कार्य है? गांव में भी हर तरीके का विकास कार्य, जैसे मनरेगा निगम में काम होते थे, उसमें पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो इधर उधर का पैसा कर देते थे, वो पूरा प्रॉफिट मिल रहा मजदूरों को। गाँव का भी विकास हो रहा है, हर बारात घर वगैरह पहले नहीं बनते थे, अब हर ग्राम पंचायत में बन रहा है। सड़कों का विकास, सफाई अभियान, सारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपका क्या नाम है? अंबुज पांडे मेरा नाम। कितना काम सीतापुर जिले की बात करें तो सीतापुर में बहुत काम हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और हम यूपी में प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे फिर से। आप युवा हैं, युवा देश का भविष्य है, कैसा कैंडिडेट चुनना चाहेंगे? जी, हम बड़े भैया अचिन भैया को ही चुनना चाहेंगे। कैसा कैंडिडेट हो, किस तरीके का हो, कैसा काम करें? बढ़िया काम करें, युवाओं के लिए काम करें। सड़कों की, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कितना सीतापुर जिले में काम हुआ है? कितना सीतापुर में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं इस समय, और बहुत कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आप और भी देख रहे हैं हर तरफ मतलब काम ही काम हुआ है। घर घर आवास पहुंचाए गए हैं, और शौचालय और सोलर लाइटें लगवाई गई हैं, और अब तो हर मतलब टंकी भी लग रही है सोलर लाइटें, और टोटियां भी मतलब पानी की सुविधा भी पहुंचाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कितना काम हुआ सीतापुर जिले में? सीतापुर में पिछले 5 साल को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। फ्लाई ओवर इससे पहले नहीं बने हुए थे, जब कभी सीतापुर से बाहर सीतापुर के लोग जाते थे तो देखते थे कि काश मेरा सीतापुर भी ऐसा हो। तो आने वाले पाँच सालों में कि सीतापुर इतना डेवलप हुआ है कि जो दूसरे के शहरों के, जो अड़ोस पड़ोस के जिले हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों में भी सुधार हुआ है, शिक्षा में भी सुधार हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर लगातार सीतापुर जिले में ट्रामा सेंटर की बात आ जाती है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? अगर चालू हो जाता तो बहुत से लोगों को फायदा होता। चालू तो हो जाता अगर भाजपा सरकार मतलब ये भाजपा सरकार में अगर ये बना होता तो ये चालू होता है, क्योंकि सपा सरकार ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जज्जर वाला बना है, तो वो जनता के लिए तो है, मगर उस तरीके का नहीं है। क्या वहाँ मरीज जाने के बाद उसमें चला जाए बिल्कुल ही? तो क्या मानते हैं सीतापुर में अच्छा खासा काम हुआ है सरकार के द्वारा? हाँ, सीतापुर में बहुत अच्छा खासा काम हुआ। इससे पहले ट्रेनें नहीं चलती थी, काफ़ी ट्रेनें बढ़ाई गई हैं सीतापुर में, प्लेटफॉर्म अपना बड़ा कर दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा बिजली वाली ट्रेनें चालू हो गई हैं। इससे पहले बिजली वाली ट्रेनें, नाम सुना होगा कि दूसरे ज़िलों में चलती थी, लखनऊ में चलती थी और कहीं चलती थी, अपनी सीतापुर में नहीं चलती थी। इस सरकार में बिजली वाली ट्रेनें चालू।
ये थे हमारे साथ में सीतापुर जिले के युवा, जिनका कहना है कि सीतापुर जिले में लगभग विकास कार्य हुआ है, सड़कें जो है वो सभी गड्ढा मुक्त हुई है, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन सभी चीज़ों में सभी तरीके से काम हुआ है। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।